नमस्कार दोस्तों, ये मेरे कुछ पौधे हैं। ये तोरई की पौध है, ये लौकी की। देखिए कितनी अच्छा पौधा हो रहा है लौकी का। मैं 10 से 12 दिन बाद से, ये 21st को मैं यहाँ से चली गई थी और उसके बाद से ये मैंने पौधे अपने अभी आके देखे हैं। तो ये जब लौकी का काफ़ी छोटा सा था, अब मैं देख सकते हैं कि इसमें देखें फूल भी आने वाले हैं, काफ़ी बड़ा हो गया है। बहुत लगभग 12-13 दिन में मैं आई हूँ। उससे पीछे पे ये एक तोरी भी बन गई है, कितनी अच्छी तोरी में फूल आ रहे हैं काफ़ी सारे, और तोरी भी और लग रही है। तो इसका पानी का अरेंजमेंट मैं कुछ करके गई थी, बाद में एक बार बीच में पड़ोसी से मैंने बोल के दिलवाया है पानी का। मैंने इसमें ये अरेंजमेंट किया था, देखिए ये रही बॉटल अभी भी इसमें लगी रही है। पानी पहले इसमें मैंने खूब भर दिया और फिर ये बॉटल भर के इसको मैं इसमें उल्टा लगा के चली गई, तो इससे एक हफ्ता लगभग आराम से निकल जाता है। तो मैं देखती हूँ अपने कुछ पौधे और हैं जो छोटे थे। यहाँ मुझे नेट वगैरह लगाना पड़ता है क्योंकि ये यहाँ पे मोर आते हैं और वो सारा ख़राब कर जाते हैं। मैं इनकी मल्चिंग भी करके गई थी, देखिए मैंने इसमें घास फैला के और ये उपले के टुकड़े वगैरह रख के गई थी, जिससे कि इसमें डायरेक्ट धूप ज़्यादा ना लगे और ये बचे रहे कम पानी में भी। तो मैं इनको अभी देखती हूँ क्या इनकी हालत है। थोड़ा सा खोल के निकाल के इसको हटा के देखती हूँ। टमाटर कैसे हैं, एक घड़े में मैंने टमाटर बोया था, काफ़ी अच्छी स्थिति में ये था उस समय। हटा देते, ये बहुत अच्छा हो रहा है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा हो रहा है। ये खेत में पूरे टमाटर के बंच बन रहे हैं। जब मैं गई थी तो इसमें सिर्फ फूल आ रहे थे और अब काफ़ी सारे, और ये देखिए नीचे मोटा भी हो गया, ये बहुत सारे इसमें टमाटर बन रहे हैं। ये पूरा बंच बन गया, ये पूरा बंच बन रहा है। और ये रहा मिट्टी के जो गमले होते हैं, उनमें हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसमें भी मल्चिंग के लिए देखिए ये उपले के टुकड़े डाल के गई थी, जिससे कि ये सूखे ना ज़्यादा। लेकिन इसकी जड़ें चल गई हैं क्योंकि इसकी स्टेम में जड़ें होती हैं, इसलिए मैं इसको यहीं पर चूरा करके डाल देती हूँ। देखिए इसमें जड़ें बन गई यहाँ पर, ये रही यहाँ पर जड़ें बन गई है इसमें, तो यहीं पर डाल देती हूँ मैं, ये थोड़ा और डाल देती हूँ। ये रहा, हो गया ये मिर्च का, ये मोर ने खा लिया था, उसके बाद दोबारा हो गया। ये भी टमाटर के, ये भी बड़े हो गए ये देखिए। लेकिन ये पौधा ख़राब होते जा रहा है, शायद ये मुझे डिस्कार्ड ही करने पड़ेंगे इनमें। जब ये मरोड़िया रोग, देखिए ये मुड़ने शुरू हो गए पत्ते, अगर ये मुड़ने शुरू हो जाते फिर ये नहीं चलते। तो मेरे पास और पौधे हैं, इनको डिस्कार्ड करके मैं और दूसरे लगा दूँगी। सबसे अच्छा प्लांट ये चल रहा है, ये देखिए कितने अच्छे टमाटर इसमें हो रहे हैं। और इसमें ही मैंने यहाँ पे मिर्च बोया था, ये भी खा लिया इन्होंने, देखिए ये, और उसके बाद दूसरी स्टेम आ रही है। यहाँ पे मिर्च का पौधा तो ये बिल्कुल नहीं छोड़ते। उधर भी मैंने एक मिर्च बो रखी थी, वो सही चल रही है, वो छुपी हुई थी इनसे। ये आलू इसमें मैंने डाल रखे थे, ये देखिए कितने बड़े बड़े हो गए ये आलू के पौधे, ये रहे ऊपर तक आ गए हैं। अब इनमें मिट्टी डालने का टाइम आ गया है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट करके बताइए।